जय श्री कृष्ण। एज ए टैलेंट में आप सबका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ ये गुड़ पाक यानी सुकड़ी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और सर्दियों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। गुड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है, इसके लिए सर्दियों में गुड़ जरूर खाना चाहिए। और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये बहुत ही सॉफ्ट है और खाने में तो यह सब बड़े और बच्चों सबको ही पसंद आने वाली है। और यह बनाने में बहुत ही कम समय और कम ही खर्चा लगता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गुड़ पाक बनाने के लिए मैंने लिया ये 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी देसी घी और 1.5 कटोरी गुड़ और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम पिस्ता और ये एक जायफल और इलायची पाउडर। गुड़ पाक को बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसमें सबसे पहले हम घी डालेंगे। अभी इसमें गेहूं का आटा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी आंच को मीडियम करेंगे और मीडियम आंच पर 6-7 मिनट तक इसको हल्का ब्राउन होने तक इसको भुनेंगे। इसी तरह से चलाते हुए पूरे आटे को भुनना है। आंच को इस टाइम कम ही रखें, कम ही आंच पे इस तरह से चलाते हुए इसको बराबर भुनना है। आटा हमारा भुन गया है, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। अभी हम गैस को बंद करेंगे और इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। और अभी हम इसमें ये जायफल ऐड करेंगे, इसको इस तरह से कटर की सहायता से इस तरह ग्रेट करेंगे, इससे इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अभी इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस टाइम हमारा गैस बंद है, बंदी गैस पे सारा काम करना है। अभी इसमें गुड़ ऐड करेंगे, ये जो 1.5 कटोरी गुड़ लिया है हमने, सारा गुड़ इसमें ऐड करेंगे और इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को इस टाइम पे बंद ही रखेंगे, इस तरह से बराबर चलाते रहे। ये कढ़ाई गरम है इसलिए गरम कढ़ाई में इस तरह से गुड़ डालेंगे तो ये अपने आप मेल्ट होगा और आटे में मिक्स हो जाएगा। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अभी हमें इसमें जमाने के लिए एक प्लेट में निकालेंगे। अभी हमें इस तरह से एक प्लेट लेंगे, ये आप जो बर्फी जमाने की ट्रे होती है वो भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे और इस तरह से इसको चारों तरफ से चिकना करेंगे। ये प्लेट हमारी तैयार हो गई है। अभी इसमें हम ये अपना आटे और गुड़ का मिक्सर डालेंगे। और इसको इस तरह से अच्छे से फैला देंगे। आपको इसकी जितनी मोटाई चाहिए उसके हिसाब से इसको फैला दें। अभी इस पे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के कोई भी ले सकते हैं। और इस तरह से 1 कटोरी की सहायता से इसको इस तरह से सेट करेंगे। और अभी इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में इसके पीसेस कट करेंगे। अभी ये हल्की गर्म है, इसमें अभी पीसेस कट करेंगे। आप पीसेस अपने आकार के छोटे या बड़े कट कर सकते हैं।
और अभी इसको एकदम से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसके पीसेस को अलग करेंगे। ये अच्छे से ठंडी हो गई है, अभी हम इनके पीसेस अलग करेंगे। जो हमने कट लगाए थे उन्हीं पे इस तरह से एक बार फिर से चाकू से इस तरह से कट करेंगे ताकि ये अच्छे से अलग हो जाए। देखिए ये पीसेस बहुत आसानी से अलग हो जा रहे हैं। देखिए हमारे गुड़ बाकबर भी बहुत ही सुंदर, और पीछे से देखिए कितना क्लीन है, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुई है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट है। सर्दियों में गुड़ खाना हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से आप भी ये गुड़ पाक जरूर बनाएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।